वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ अंबुबाची मेला। ये आज 22nd of June है एंड अंबुबाची मेला आज से ही स्टार्ट हुआ है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट आई कैन सी इज द एक्चुअली ब्लीडिंग स्कल। ये 3 दिन तक पूर्णिमा चलेंगी और पूर्णिमा में क्या करना चाहिए हम जो हम लोगों का अच्छा होगा उससे आपको सब जगह घूम। ये देखो ये जो अंबुबाची होता है अंबुबाची में बहुत कुछ खा नहीं सकते, जो पका हुआ चीज आँख से पका हुआ चीज नहीं खाने का है आदेश में। आँख में कोई चीज अगर पका के खाए जैसे चावल है, मिष्ठा है, समोसा है, जो भी चीज है ये सब नहीं चलेगा। क्या क्या चलेगा? दूध चलेगा, आम चलेगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ अंबुबाची मेला। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसे अंबुबाची मेला होता क्या है। तो कामाख्या मंदिर जो कि गुवाहाटी में स्थित है, तो कामाख्या मंदिर जब 3 डेज ऑफ माता का जब यू नो मेंस्ट्रुएशन चलता है तो उस दौरान जितने भी तांत्रिक, ये एक्चुअली तांत्रिकों का एक दिव्य स्थल माना जाता है और यहाँ पे तांत्रिक लोग सारा यू नो गैदर होकर अपने तांत्रिक विद्याओं के साथ कुछ तपस्याएं करते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भी तांत्रिक या फिर जो भी तंत्र से जुड़े हुए लोग अगर कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनका वो सफल तब होगा जब वो अंबुबाची मेला में आकर वो कुछ सिद्धियां प्राप्त करें। और तो ये आज 22nd of June है एंड अंबुबाची मेला आज से ही स्टार्ट हुआ है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट आई कैन सी इज द एक्चुअली ब्लीडिंग स्कल। तो वो जो एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सीन है तो वो सब अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से अंबुबाची मेला की जो शुरुआत है और किस तरह से तांत्रिक लोग अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू एंड इस मेले में क्या होता है और ये तांत्रिक यहाँ पे क्यों आते हैं तो उसके बारे में कुछ लेयर्स में अभी हम लोग उसको क्लोज मतलब उसको क्लियर करना चाहते हैं। तो चलिए अभी हम डायरेक्टली इस वीडियो में बाबा जी से पूछते हैं कि वो अंबुबाची मेला में एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, अंबुबाची का मतलब ये होता है जो माँ यहाँ अभी भी जागृत है। हाँ, पहली काल से जितना जीत से है माँ जागृत, अभी भी जागृत है क्यों, इसलिए हम लोगों को माँ खींच खींच के लाते हैं हर साल जहाँ भी रहे, हरिद्वार, काशी या जम्मू इधर भी रहे, माँ का अंबुबाची का टाइम हम दूर दूर के माँ का द्वार चलाएं, बहुत आनंद मिलता है रहने में। अच्छा बाबा जी आप कहाँ से हो? हमें बंगाल से। बंगाल से हो आप? बंगाल तारापीठ से। हाँ, तारापीठ का बगल से 40 किलोमीटर दूर है, वो सती घाट है मोड़ा की, उधर ही हम रहते हैं। बाबा जी ये जो स्कल मैं देख पा रही हूँ क्या ये असली स्कल है? हाँ, वो असली है, ये नरगुंड है, दोनों ही है, वो तो ये तो भी है। और आप लोगों के पास जो भी बहुत सारी विद्याएं आप मतलब कुछ भी कर सकते हो। है माँ का द्वार क्यों आते हैं? सब सीख करने के लिए आते हैं। माँ का द्वार दशमा विद्या है माँ का द्वार में, उसका अलावा भी इधर सरस्वती गाती है, मनसा गाती है, शिव गाती है, इसके लिए हम लोग और ज़्यादा आते हैं। इधर भूतनाथ है, महाकाल है, नवग्रह है, उमानंद है, फिर इधर से 100 किलोमीटर दूर है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, वशिष्ट आश्रम, इतना है, काला पहाड़ है, दुर्गा पहाड़ है, नवग्रह है, बहुत है, बहुत घूम के शेष खत्म नहीं होगा, इतना है इतना है। इसलिए हम लोग आते हैं अंबुबाची में, ये जितना इस्लाम कंट्री है जितना भी है उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि अंबुबाची का मतलब क्या होता है। इधर आके देखे कि माँ का अंबुबाची का मतलब क्या है, साल में एक बार माँ का जो ये अनुष्ठान होता है, इसलिए हम लोग तोड़ तोड़ के दूर से चला आता हूँ। ऐसा माना जाता है कि अंबुबाची के दौरान जो मतलब विद्याएं आप लोगों को जो प्राप्त होगी वो कहीं और नहीं हो सकती है। हाँ, क्योंकि ये ब्रह्मांड है ना, जितना बड़ा ब्रह्मांड है, हाँ, ये ब्रह्मांड से सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। हाँ, इसलिए यहाँ आके अगर कोई सिद्ध करे तो जल्दी जल्दी सिद्ध हो जाता है। अच्छा, इसलिए तांत्रिक लोग, अगर लोग, भैरव लोग, नाद लोग, जितना भी आदमी है, साधु आदमी, साधु वैष्णव जितना है, सब इधर सिद्ध करने के लिए माँ का द्वार आते हैं। आप क्या हो? अगोर। मैं तो अगोर हूँ। अगोर, हाँ, मेरा नाम भी है, मेरा नाम है अगोर योगी नीलनाथ महाराज, और मेरा एक चेला भी है
ये इधर नहीं रहता है, गंगोत्री जमुनोत्री गोदावरी उधर ही रहते हैं, उसे भी दो चार बात कर ले। जरूर जरूर। हाँ। अच्छा बाबा जी ये बताइए कि लोग अघोरी से क्यों डरते हैं? वो तो अपने मन की भावना डरने की भी है, तो डरने की बात नहीं है हमसे। आप लोग मतलब ब्लैक मैजिक करते हो या फिर ऐसे ब्लैक मैजिक आप भी कर सकते हैं, अगर आप भी साधना में रहे हाँ। तो आप भी सीख सकते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई होता है वैसा ये भी है, अपने गुरु का शरण आप लोग यहाँ पे जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हो मतलब। ये तो माँ का खेल है ना, माँ जो करवाएगी वही करेंगे, और जो माँ नहीं करवाएगी वो नहीं करेंगे, हम लोग माँ का बेटे हैं। मतलब बहुत सारी विद्याएं होती है इसमें। जैसा कहते हैं कि होता है हाँ हाँ। ऐसे विद्या में ए से जेड तक होता है, उसको भी पढ़ाई करना होता है, ठीक है, तब ये सब काम सीध करके मंत्र है सीध करके तब ये सब काम करना, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है सफलता। आज पूर्णिमा की रात है, 8:45-46 में गिरा था। अच्छा, और ये कब तक चलेगी पूर्णिमा? 3 दिन तक चलेगी, मंगलवार। ये 3 दिन तक पूर्णिमा चलेंगी, और पूर्णिमा में क्या करना चाहिए हम जो हम लोगों का अच्छा होगा उससे? आपको सब जगह घूम, ये देखो ये जो अम्बाबूजी होता है, अम्बाबूजी हाँ। में बहुत कुछ खा नहीं सकते, जो पका हुआ चीज आँख से पका हुआ चीज नहीं खाने का है आदेश में। आँख में कोई चीज अगर पका के खाए, जैसे चावल है, मिष्ठा है, समोसा है, जो भी चीज है, ये सब नहीं चलेगा। क्या क्या चलेगा? दूध चलेगा, आम चलेगा, दही चलेगा, मतलब कि हम लोगों को फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स खाना चाहिए। नहीं नहीं, ये सबका लिए नहीं है हाँ। जो आगोर है, तांत्रिक है, भैरव है, नागा है, नाद है, दशनामी है, जुना जितना है, ये सब उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। जितना साधक है वो साधक के लिए है, आम इंसान के लिए नहीं है। अगर आम इंसान ये सब करेगा तो हाँ सिद्ध होगा, वो भी साधु बन पाएगा, यही बात। और बहुत अच्छा लगा गुरु जी आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। गुरु जी आपका नाम एक बार? नीलनाथ महाराज जी से मिलकर आप लोगों को कैसा लगा? एंड ये जो सीन मैंने अभी आपको दिखाया, गाइस दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ इट, ऐसा करके बहुत कुछ अभी आप लोगों को देखना बाकी है। एंड देख लीजिए इस तरह से, ये जस्ट एक स्टार्टिंग है अम्बुबाची मेला का। एंड अम्बुबाची मेले में एक्चुअल में क्या होता है अभी आप लोगों को इस वीडियो के दौरान देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ मी एट अम्बुबाची मेला, जो ये 3 दिन तक चलेगा, और इस 3 दिन के दौरान कंप्लीट एक क्लियर विजन मुझे मिल जाएगा कि अम्बुबाची में एक्चुअल में होता क्या है एंड अबाउट ऑल द तांत्रिक प्रैक्टिसेस। तो चलिए अभी हम इस वीडियो के आगे और भी बढ़ते हैं, चलिए।